कोई मासू का अपने आशिक से कलस का कलस राजा हमारा जवानी खाना चीला लेकिन पाकर तो हारी तली भीला जब जब कहबूता बहोई लभ कहला सा बहोई एक और धमाकेदार प्रस्तुति बलिराम यादव बलदाऊ और साथियों की आवाज में हरिओम म्यूजिक की ओर से और हमारे बड़े भैया हमारे सहयोगी पैराडाइज मेडिकल एंड पतंजलि स्टोर हरिया चौक मोहम्मदपुर आजमगढ़ आदरणीय श्री अशोक कुमार यादव जी के सहयोग में बिरहा आप लोगों के बीच में भेज रहल बानी। आशा ना पूरा विश्वास बा ये बिरहा के आप लोग जरूर पसंद करब और ये बिरहा मैटर थोड़ा अलग बा दिलो दिमाग आप लोगन का लेके हम अध्यात्म की तरफ चलत है। कहानी कहां से लगल मास्टर आवा प्रात बेला में ही मरस मिया खिल गई कचा तक मयूर के कलर हो नाद से आज ऊसा को नीसा बुलाने ऊसा और नीसा ये कोनो लड़कीन का नाम ना हो। नीसा माने रात ऊसा माने सुबह सवेरा रात बीतत बा सवेरा होत बा यही बीच का कहानी बा। कैसे बाबा कश्यप मुनि जब तपस्या किए अरे खुश हो गए हैं मेरे डमरू तो अपनी झोली से शंख यकी कश्यप मुनि जी तपस्या का फल मिलने वाला है। भोर की बेला में भगवान भोलेनाथ और धरधानी त्रिशूल बजा करके मुनि के सामने प्रकट हो गए। हाँ मुनि अखिया खोला भोला तोरे सामने खड़ा हुआ। कश्यप मुनि जब आँख खोलन हो बाबू सामने साक्षात डमरूधारी के देख के मन में थोड़ा संदेह पैदा हो गया। कलन की प्रभु तू सच्चो में भोलेनाथ हुआ कि कोनो बहुरूपिया हुआ।
भोलेनाथ कहे कि बेटा अगर संदेह है तो कुछ मांग लो। हाँ। कश्यप मुनि कहे कि हकीकत में आप भोलेनाथ हैं। हाँ। तो अपने मनोवय से हमके कुछ दे दिया। हाँ। कश्यप मुनि झोली में हाथ डरलन निकार के फिर शंख पकड़ा दलन। छुआ कोहरा मतिन मुंह लटक गए कश्यप मुनि का। कलन सरवा 12 साल तपस्या में बितौली। अब चल के गांव में घूम घूम के कथा कही। यह तो भक्ति का फल बा। भगवान भोलेनाथ कश्यप के दिल की बात जान गए। हाँ मुनि, निराश नहीं होना बेटा। निराश रोगी मिले बरदानी शंख हो। कैसे? एक लाइन गीत लग गए मास्टर। जमाना जब रहल भैया विजय लाल यादव और अनीता राज के, एक कैसे टू लोग गौले रहलन। देबू ना तकाया चार डलबू। विजय लाल भाई अनीता राज जी से कहत रहलन कैसे। अपनी खातिर कौनो एक समान मंगवा तुरंत उपलब्ध हो जाई। लेकिन पूरे गांव वाले के दुई दुई समान मिल जाई। कश्यप मुनि कहलन तो प्रभु तो बड़ा बढ़िया वरदान देला। शरीर हम भुजली जंगल में, हमके एक का मिली गांव वाले के दुई ठ मिल जाई। कहलन हाँ बेटा यही शंख की विशेषता है। कहलन तो अच्छा प्रभु तू जा, अब हम चलत है एक अजमैबे करीला। 12 बजे राती के घरे पहुंचल हुवन बाबू। घर द्वार खड़हर हो गए हो। सुतल हुवन नींद ना लगत हो। बड़ा बड़ा मच्छर कुल काटत हुओ। कलन सरवा का भिनसारा होत कि तनिये संखिया से कुछ मांगित। देखी सच्चो को बरदानी हो कि बहकाए के चल गई ले। गीत लग गए मास्टर। बड़ी पुरान गीत बा। पहले एक जमाने में विवाह बड़ा बचपने पे हो जाए। अभिमन्यु भैया गौना आवे 11 साल 13 साल 17 साल बाद। लेकिन आज आज तो पूछबे मत करा। आज के रिवाज में तब के रिवाज में बड़ा अंतर हो गया। आज तो विवाह होखत बा तो साथ में दुल्हन विदा होके चली आवत बा। तब कब मर्द मन से दूर है मारे लाज के जल्दी घर में न जाए। हया रहल पर्दा रहल शर्म रहल। लेकिन आज करिया शीशा का अगर कार हो तो जानला 80 का रफ्तार वही कार में लगा देत हूँ सब। बड़ा दिन हो गया बियाह भैले दुल्हन चिट्ठी लिखलस की का हो। कहिया ले इंतजार चली। हद हो गई यार इंतजार की। का कलस मास्टर गवनावा ले जा, गवनावा ले जा, आगा
तीन बजे भिनसार के बेला बा, कश्यप मुनि दवर के कुआं पे जाए के स्नान कई के पूजा स्थान ली पोत के शंख गोसाई को ही धे दहलन। कलन तो हाई शंख गोसाई को एक थे चीज दे दिया, का मंगलन मुनि भ्रष्ट ना हुए अभिमन्यु भैया, ई परंपरा याद से चली आइल बा। कलन तो हाई शंख गोसाई कहो एक ठे खूब बढ़िया क, एक ठे खूब चिकन मुक्कन का मेहरारू दे दे तू। जिंदगी भर राखी पोतली बुढ़ौती में कम से कम पाउडर पोत ले, वरदानी शंखराल भोलेनाथ का भइल का। अरे यतना कहत यकी आई अलबेली, चौचक मेहरारू कश्यप मुनि के सामने हाजिर हो गई। लेकिन अरे पूरे गाँव में भाईली दुई दुई सहेली, नहीं एक मेहरारू मिलल। पूरे गांव वालेन के पीछे जितना मरद रहल दू दू मेहरारू टहरे लगली। प्रकाश भैया कहाँ रहना हो इस समय, जितना काना कोतर मिर्गी हाल लंगर लूज रहल हो, सबकर मजा हो गई। बारे कश्यप मुनि बुढ़वन के तक थे पहले के बुढ़िया बा, दू ठे एकदम जानला 2018-19 मॉडल आ गई। लड़का कुल मजा ले तुम्हें का हो दादा, कैसे बीतल रहा जौन बुढ़वा मजा के रहे उका का बताई जे बेटा। अरे इकट्ठे रहे तब न कटट, अरे यहर घूमी लट ई घींच ले ले, यहर घूमी लट ई घींच ले ले। आए रे बुढ़ौती चलावा बुढ़ौती में, जौन बुढ़वा चिटकना रहे कहे भगले ना रहे, अब भाग ना दिया लठिया नू भैया। वो मेहरारू आइल कश्यप मुनि के सामने खड़ी कले, ए बुढ़ो ए तोरे खड़हरवा में ना रहब। कले कहाँ रहबू, कलस के घरा जल्दी पक्का बनवाए दिया। कले ससुर कौनो हमके फरिया से आजमगढ़ से हरिहरपुर से सिंह सरिया गिट्टी बालू मंगावे के हो, आंख मुन के मंगाई के तो हो। कले तो आई शंख गोसाई कहो हमार घरा एक तल्ला बनाए दिया भयल का। अरे यतना कहत घरी बनल एक तल्ला, अब पूरे गाँव तो होई गईला तुई तल्ला। कश्यप मुनि आँख खोलन, इनकर घर एक तल्ला एकदम रंग पोत के चौचक तैयार।
कश्यप मुनि सोचत हुवन कि बड़ा दिन के बाद पक्का मकान मिलल हो, मेहरारुओ बड़े दिन के बाद है मिलल हो। पूजा पाठ हो जाए, बड़ी गर्मी हो, आज लेके चल के छत पे सुतब, लेकिन जोने समय छतवा पे लेके गईले दुल्हनिया के हो, पूरे गंवा वाले के घरवा दुई दुई तल्ला हो गए, तीन तीन ठे मेहरारू लेके टहरावत हुओ सो, इनके घरा के बगलिया के भर झुकवा रहा लोकर भरसैया दुई तल्ला हो गई। कश्यप मुनि जब पूजा में ध्यान लगावे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भर झुकवा दूसर के तल्ला से खेखा रहे, बोले सरवा हमरे बिल्ली हम ही से में आऊ, हमरे बदौलत सरऊ दूसर के तल्ला पे खबरत है आतू, तो सुना हमरो नाम कश्यप हो, जितना ऊपर भूजत हुआ उतना नीचे अगर ना भूजवली तो नाम लिहल छोड़ दी। हा गीत लग गई मास्टर, स्वर्गीय बेचन गुरु अपने जवानी में बड़ा मचल के गावे है गीत के, जवानी का परिभाषा बतावा हूँ कैसे, अब ही उमहरिया के पारी हो, अरे पारी हो मुरहा मांग लगावा नहवा, सपनी कालन दोहाई संग गोसाई को जैसे दुई वरदान देहलू, तीसर को वरदान ही गर मैले दे दिया, का मंगलन हमके बनाए दे तू कनावा, दोहाई संग गोसाई को हमारे अठिया खिए फोर दिया, सोचल कि जब एक अठिया हमके मिलत है गंगवालन के दुई दुई ठिया मिलत बा, हो सकल हो नहीं जाए, हमके बनाए दे तू कनावा हो, अरे कनावा हो ई हवा मांगिला मांगना हो, कश्यप मुनि आँख खोलन तो भयल का, ये ताना कहा था ये वो फुटहली नजरिया, बिरहा सुने वाले बाबू लोग बिरहा पे ध्यान रहे, कहानी पर ध्यान रहे, इन्हें एक मेहरारू मिलल पूरे गांव वाले इनके दुई मेहरारू, इनकर घर एक तल्ला पूरे गांव वाले इनका दुई तल्ला, इनकर रखिया एक थे फूटल तो भयल का, सूरदास होई कैली सागरो नगरिया, क्या बात है, पूरे गांव वाले नेटवर्क कोरे जरिया से बाहर हो गई ला, दूरों आँखी का सूर हो गई ला, कला तो आई संघ सरकार कहो यही गरमाइले अठे औरी काम कर दिया, दुआरा पर गढ़ी ता कुआ नावा हो, अरे कुआ नावा नु हो ई हवा मांगी ला मांगा नहावा,
भाई शंख गोसाई कहो, हमरे घरा के दुअरिया के समनवा थे 50 फुट का कुआं खने दिया। आंख खोलत हुआ कुआं तैयार बा, लेकिन पूरे गांव वालन के घरन के दुआरिन के सामने 100-100 फुट के दुदु कुआं तैयार हो। अनराइल है हुआ लोग, जे टोटावत घर में से बैरा था, करे पिंटुआ के मम्मी करो भिन सारा भयल की ना रे। अच्छा दे 100 फुट नीचे कुआं में, जे भी घर में से बहरा तो सब कुआं में जात हो, भर झुको अब गुरदम्मा लेके 100 फुट नीचे खबरा था। कश्य अपनी देखल बड़ा सुख मिलल। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, गांव वाले के दू ठे मेहरारू हो गई, दू तल्ला मकान हो गए, यह न खाली गए। अब जितना नीचे भूजत हो कल झिंगा टोवा वही में आराम से भूजा तू। पूरे गांव वालेन के कश्य अपनी कुआं में ढकेल के थे, बड़का चिनी हवा बोरा उठा लल कैलन का टेरी लगल। अरे मोरे राम, अरे चक्कर में डमरू धारी पड़ गए, अरे कनवा कनवा घूम के लूटा गांव भलोटा थारी। अरे हाँ थारी, अरे सब कुआ में आराम करत हो, पानी पियत हो, बोरा उठा के गांव टहरत हूँ। जितना हंडा परात बल्टी गगरा कोहा परई दिया ढकनी ओखरी मूसर पावत हूँ, वही बोरा में भर के लिया के दुआरे पलटत हूँ। जनात हो कि अच्छी खासी कबाड़ के दुकान खोल ले लो। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ध्यान मगन है, जब भक्तों की ओर उनकी दिव्य दृष्टि पहुंची है, कश्यप मुनि की लीला देखलन कनन बारे कश्यप मुनि तो बड़ा बढ़िया काम कर गईला। मने मन सोचत हुए तो पूरे गांव वालन के मुंह आए नोल चाहला। ब्रह्मा के पास भागते हुए गए और ढरदानी, हा ब्रह्मा मृत लोग चले के कले काहे प्रभु का करे बदे मृत लोग चल गया। कले वो कश्यप मुनि का देखा कुआं में ढकेल के मुंह आए नोल चाहला। कले भोलेनाथ आपो ऐसा ऐसा वरदान दे दिलिया, क्यों के लकड़ी दे देबा तो काम टनाटन हो जाई, केहू के ऐसा वरदान दे देबा कि ओम नमः शिवाय बढ़ोतरम, यही से गुल्लर खोदे लगी। कवन आदत हो प्रभु आपके, कले ना चल ब्या तो तू सृष्टि रचते रह जाई ब्या। कश्यप मुनि ये संख्या लेके धरती पर दौड़े लगी है न, रेगिस्तान बना दी है। अच्छाई इतने में आओ कि चल चला। कलन प्रभु जब चलाई के तो विष्णु भगवान के भी सतवा में लिया लिया। तीनों देवता चलल हुआ मगर रूप बदल के, गीत लग गए मास्टर। ये हमारे कैसेट का गीत रहल मास्टर, देवर खटिया कैसे हिली। अरे बैठ बल्ला मोर भौजी दे दया बन के नहवा, कि अपने जमाने में स्वर्गी बेचन गुरु अपने अंदाज में गावे मास्टर। कहने रंगा मूंगा
आसड़ू और महेश चले हैं मगर रूप बदल के, वो रूप कौन रहल? तीनों देव साधु बन के कश्यप की दुआरिया, बनौला तीनों जने सरंगी गुदरी सोहत बा भजन गावत। कश्यप मुनि के दरवाजे पर पहुंचल हुन दुल्हन घर में बा। कश्यप मुनि गांव गोठत हुन जनात हो कि महामारी आई लियो। अलग जगह कोई है, कोई है तो हम महात्माओं को भोजन करवा दे। भारतीय नारी की जो सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, बखूबी निभाते हुए वहन करते हुए वो दुल्हन घर में से निकली है कैलाश का। सुन के दुलाही दिया घर में बैठाई, आसन लगा करके भोजन बना के तीनों देवतन के पड़ोस दिलू। नहीं का पता बाकी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश हुन, लेकिन फिर भी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहल। आसन लगा करके भोजन दे देलस, लोग खात हुए बेना चलावत बा। भगवान भोलेनाथ हाल चाल पूछत हुए, कुशल छेम पूछत हुन। और बच्चा कोई दुख है तो बताओ, कोई कमी है तो बताओ। दुल्हन गनी प्रभु आपके कृपा से, महात्मन आपकी कृपा से कोनो कमी हो नहीं। तब तक कश्यप मुनि पीठी पर बोरा लदले निहुरले भागल आवत हुआ। दुअरवा बहन पहुंचल हुआ घरे में से, बोलले बतियौले का आवाज आवत हो। बोलन अरे ये तो पूरे गाँव वाले हम कुआ में ढकेल देनी, कोनो सारे बैग डोर का प्रयोग नान कह दल, ये घरवा में कौन घुसल हुआ। बोरा पटक के ओई दुआरे जाए के जंगला से झांकत हुआ तो तीन ढे जटाधारी खात हुआ, मुस्कियात हुआ, दुल्हन से बतियावत हुआ। ये तो और बड़ी यार दुख हो, ये तो और ही ना बर्दाश्त होई ओपी भाई। कोलन की घबरा मत, अब तोरे लगन का दाढ़ी हम बनावत हैं। उठौला शंख भाई, शंख गोसाई कहो, एक ठे और ही वरदान दे दिया। का कलन नहा लग गल मास्टर। संखिया से मांगे मुनि जी की हवा मननवाए भैया, नीचे मारदाना ऊपर जनाना दापाना, संग गोसाई कहो हम मरद हई करियैया के निचवा, हमके मरद रह दिया करियैया के ऊपर मेहरारू बना दिया। सोचत हुआ हम आधा मरद आधा मेहरारू हो जाब, ताई घरवा में जवन लोग रसे रसे जेवत हुआ, ई लोग पूरा मेहरारू हो जाई।
जब पूरा मेहरारू हो जाये तो राजा दशरथ से ऊपर हो जाए, उनके तीन रोली हमारे चाट हो जाये हैं। भयल का ये तना कहा ता बदलल, ये तना कहा ता बदलल, मुनि का ता सबिरिया ये भैया। आँख खोलन कश्यप मुनि करियाए के नीचे भगई हो, अब करियाए के ऊपर कंधे पर कंचुक सोहत हो। कंचुक माने मास्टर साहब जनबे ना कैल्या, बुढ़ौती आ गई तोरो लेकिन मिजाज वाले ना पहुंचल। कंचुक माने चोली होला। अब जहाँ राखी सोहत रहल वहाँ क्या कचनारे कचनारे गाल है, क्या कजरारी आँख है, क्या सुराहीदार गर्दन है। कश्यप ने निहारत हुआ अपने आप के कि वाह इतना बढ़िया हम बनल है। तो जो घरवा में तीनों सदुआवा खात रहल वो तो हमसे कम में उम्र के लगत रहल, बोल तो और बढ़िया बनल हो। कल रह मन तनी एक दाई खिड़किया से झांक ले आ जौन दुल्हनिया से ढेर बतियात रहा पहले चल के वही के रियाज मारब। जाय के जंगला से झांकत हुआ तो तीनों देवता तीनों साधु जैसे पहले रह ले वही तरह बहन भोजन करत हुआ। कश्यप मुनि एक दाई अपने के लखत हुआ, एक दाई वो साधुओं के ताकत हो कला सरवाई छुआ गई का संखिया, पानी उठा के छिरक के फिर मंगलन मगर कौनो असर न भयल। उठा के पटकल सर ये बरदानी शंख चूर हो गई, दरवाजा मरला पैर से टूट गया, अंदरवा गए भगवान भोलेनाथ के यह जटा पकड़ब न कैले, दाढ़ी पकड़ के घिसरावत ले ले आवत हुन। मैं ठेहुना के अमृत छाल वगैरह जौन भीतर छुपौले रहा कुल कट गया, ठेहुना के चमड़ा कट गया, खून बहत हो। भोलेनाथ सोचत हुआ अब एक अगर असली रूप ना देखौली तो बेइज्जत कह दे। अरे डामा डम डम हरुआ बाप जाना भोला के भैया। साक्षात रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए, डमरू बजा है, सारे गांव के लोग जैसे पहले थे वैसे हो गए। लेकिन कश्यप मुनि आधा मेहरारू आधा मरद बन के टुकुर 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 वही साधु लोगन के निहारत हुआ, भोलेनाथ के पहचानत हुआ, कहे से असली रूप में आ गए। बोले कहो प्रभु जंगलवा में जोन तू एक हफ्ता पहले मिलल रहला उहे ना न हुआ। कहले बेटा पहचान तो गए, निगाह तुम्हारी बड़ी तेज है। कहले कहो प्रभु कितना बड़ा लड़चुआ तू है, तो हूं के कमी हो गई 12 साल शरीर झुरवाई के अये संग के जरिए थे मेहरारू मांग ले ली, यो तोरे आंखी के किरकिरी हो गई ना बर्दाश्त भयल। कहले मूर्ख बहिन बिहाई करत हो, अब इन बिहाई करत बा। कलन कह रहे कश्यप मुनि तूने बहुत बड़ी भूल कर दी, उस बार तो तपस्या किया तो तुझे वरदान दिया, इस बार तपस्या का दुरुपयोग किया है तू, इस बार श्राप सुन ले। का कलन मास्टर आखिरी लाइन बड़ा मरद मेहरारू बनले के तोके शौक रहल ना, जाओ ये शरीर त्यागोगे अगला जन्म जब तुम्हारा होगा एक नया नाम दिए भगवान भोलेनाथ की, तेरे ही तन से तू ही हिजड़ा बन करके पैदा होगा।
एकरे पहले खाली ये धरा परे संसार में मरद और मेहरारू नर और नारी रहल कश्यप मुनि लिया के हाइब्रिड पैदा कर रहल जौन की हमरे तोहरे घरे कोनो बिटिया बेटवा पैदा हो जालन आगे कुल इतना तंग कर देल कि मुंह छिपाओ छिपाओ जिंदगी नरक हो जाले ट्रेन के बतिये मत पूछा अगर न देबा तो प्लेटफार्म खोल के वहीं जा दिखा दी हो भगवान भोलेनाथ श्राप दे दिए जाओ तू हिजड़ा बन करके पैदा होगा। हाथ जोड़ के कश्यप मुनि पैरवा पकड़ लेना कल सरकार साधु वेश में आप हुआ तीनों साधु वेश में तीनों देवता आप लोग हैं तो आप गुरु हम तो गुरु का फर्ज होला एक स्वर और बढ़ला अरे डहरिया बतावले जा अरे डहरिया बतावले जा अब गुरु हमारा भूला ली जा हरिया बतावले जा बहुत अच्छा बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु प्रायश्चित का एक मौका दे दीजिए पूरी जिंदगी आपके राह में कुर्बान कर दूंगा जोड़कर कदमों में पड़े हैं कश्यप मुनि उदाहरण के तौर पर एक लाइन बतौलन का भगवान से भारी हो लाभ भगवान से भारी हो लाभ गुरु जी का अवसर दे दीजिए प्रभु भगवान भोलेनाथ पैर छोड़ो थो बेटा ये अब नहीं हो सकता जवान से जो बात निकल गई वापस नहीं हो सकती एक चीज और याद धराओ थो कश्यप मुनि का जवानी चला ना बसे स्वर्ग सुख प्रताप हो I'm
सजा जरूर मिलेगी। इतनी बात कह करके भगवान भोलेनाथ और साथ के दोनों देव ब्रह्मा और विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। कश्यपनी जी का जब ये तन छूटा तो अगले जन्म में वही हिजड़ा बन करके पैदा हुए और उन्हीं की जड़ से तीसरी बिरादरी के लोग पैदा हो गए। एकरे पहले खाली नर और नारी रहलन। कश्यपनी का देन हो एक बिरादरी और पैदा कर दहलन। आखिरी लाइन हो माचर गुरु घराने का परिचय बा। बिहार